प्रदेश बीजेपी में दो दिन चली बैठक में समन्वय से लेकर आगामी रणनीति पर जमकर चर्चा हुई। जिलों के कोर ग्रुप के लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी, जिसमें अधिकारियों की मनमानी सहित कार्यकर्ताओं के सम्मान की तरफ ध्यान दिलाया गया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरे समय बैठक में शामिल रहे, जिसमें दोनों तरफ से बातों का आदान प्रदान होता रहा। मुझे सीखने को मिलता है, नवाचार करने को मिलता है, समन्वय कैसा है, सामंजस्य कैसा है, सरकार की नीतियां कब तक अंतिम तक पहुँच रही, ये सब जानकारी मिलती है। तो आज क्या सीखने को मिला, क्या टिप्स मिला? सीखने को ये मिला कि संगठन और सत्ता समन्वय के साथ काम करें। जिले की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसका फीडबैक लिया गया और हमारे यहाँ ये पुश्तैनी पत्यपानी है। इस ढंग की बैठकों का प्रारंभ से ही हम सबको अभ्यास, जो हमें अन्य दलों से अलग बनाता है, कि हमारे यहाँ सब आज बहुत बड़ा फोरम था और आज ये इस तरह की बैठक हुई है और सारी चीज़ों का, जिले की सारी परिस्थितियों का उनको अवगत कराया और उनने भी मार्गदर्शन किया है कि आगे की परिस्थिति में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। प्रदेश मुख्यालय में जिलों के कोर ग्रुप के साथ दो दिन में करीब 20 घंटे चर्चा हुई। पार्टी का कहना है ये बीजेपी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है, जिसमें दोनों तरफ से बातों का आदान प्रदान होता है। गांव-गांव के अंदर हर बूथ तक पहुंचे, ये भी हमारा एक प्रयास है। तो उनकी तैयारी और अपने काम की समीक्षा और आगामी दृष्टि से अपने जिले के संगठन के और ताकत कैसे करना है, जैसे त्रिदेव हैं, हमने जो बूथ का डिजिटाइजेशन किया, इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होकर के अपने संगठन काम के मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ता मिल करके इस पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो पूरा फीडबैक लेना और ये केवल एक तरफा नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के या देश के अन्य राजनीतिक दलों से अलग ही इसलिए है कि यहाँ पर कार्यकर्ता कैडर बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए है कि हम उनसे भी बात करते हैं। बहरहाल बीजेपी की मैराथन बैठक में कई कमियां सामने आई और 2018 के हार पर भी विचार हुआ, लेकिन सबसे अहम यही रहा कि कैसे बूथ मजबूती के साथ 2023 में वोट प्रतिशत 51% तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दो दिन चली बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा समन्वय का रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि 2023 में राह आसान करना है तो सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बिठाना जरूरी होगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।